तो भाई लोगों, फिल्में इतनी पिट रही हैं, किसी को कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फिल्मों को हिट कराया जाए। तो अजय देवगन ने सोचा कि यार, ओरिजिनल स्टोरी के चक्कर में पढ़ना क्या है, साउथ की जो भी मूवीज़ हिट हो रही हैं उसको इधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे दृश्यम के साथ किया तो दृश्यम भी हिट हो गई, क्योंकि फिल्म तो दमदार थी। यही सेम ट्रिक जो है इस बार भोला के साथ किया है कि कैथी जो है वो साउथ में बड़ी हिट फिल्म थी, तो उसकी रीमेक इन लोगों ने बना दी। लेकिन इस बार जो है वो बात नहीं आई है जो दृश्यम के रीमेक में आई है। तो भोला से जो है एक्सपेक्टेशन, और इस कैथी मूवी साउथ में चल सकती है लेकिन भोला मूवी जो है वो नॉर्थ में चलने के बड़े कम चांस हैं। तो अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल, ये सारे मेन कास्ट हैं। और साथ में भाई लोगों, एंड का जो है अभिषेक बच्चन का कॉमिक एक्सपीरियंस जो है, छोटा सा रोल, स्पेशल एक्सपीरियंस, वो मत भूलना, देखना वो भी है। मूवी किसको पसंद आएगी, पहले तो मैं ये बात कर देता हूँ। मूवी जो है, जिनको भी एक्शन पसंद है उनको मूवी पसंद आने वाली है, क्योंकि कुछ एक्शन सीन्स जो है वो बहुत ही अच्छे बने हैं। उसके बाद जो है मूवी जो है वो पूरी बंडल है और पूरी कॉपी है। एक दो ट्विस्ट इन्होंने इधर उधर करने का कोशिश किया है कैथी से अलग, लेकिन वो कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है। अजय देवगन ने बस ये सीख के रखा है कि भाई, मैं आँखों से बात कर लूँगा, उसी को मेरे लोग एक्टिंग मानेंगे और वही एक्टिंग मानी जाएगी, और उसी से मैं अवार्ड भी ले लूँगा, फिल्म भी चल जाएगी। तो मुझे लगता है पब्लिक अब उस लेवल पर है नहीं। तब्बू ने हमेशा की तरह ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, दीपक डोबरियाल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्टोरी तो खैर, मैं मेजर स्टोरी तो नहीं बता पाऊँगा, एक हिंट दे देता हूँ कि अजय देवगन जो है वो एक जेल वाला बंदा है, जेल से निकला है और उसको अपनी बेटी से मिलने जाना है, और इसी बीच जो है उसको पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो फंसाता है एक काम करने के लिए। वो काम वो कैसे करके और अपने बेटी से मिलने जाता है, पूरी पिक्चर जो है वो इस बात पे है। गाने जो है वो इस मूवी के ऐसा कुछ खास हिट हुए नहीं, गाने ठीक ठाक चले नहीं, म्यूज़िक एवरेज है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी एवरेज है आजकल। चूंकि मुझे लगता है कि हिंदू लोग जो है वो फिल्म बॉलीवुड के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं, तो अजय देवगन ने इसमें त्रिशूल वगैरह का भी इस्तेमाल किया है पोस्टर में और फिल्म में, जिससे उसको लगे कि हाँ भाई, मतलब फिल्म जो है वो हिंदूज़ को सपोर्ट करे। खैर, मेरा तो फिल्म रिव्यू जो है वो रिलीजन से नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, जिस मैं बता रहा हूँ तो ये है। उसके बाद स्क्रिप्ट जो है, अगर हम स्क्रीन पे बात करें तो एक्शन सीन उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, उतने एक्शन सीन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, और इतने एक्शन सीन भर दिए कि आपको कभी कभी लगता है कि आप उठ के चले जाओ। और कहानी जो है वो बड़ी सिंपल सी कहानी है, और स्टोरी डायलॉग सब नॉर्मल है, सब कोई कोई ऐसा खास नहीं है कि जिसको कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है जिसको याद रखे जा सके। और एक्टिंग में जो है अभिषेक बच्चन का बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन उसने उसमें भी, अभिषेक बच्चन मुझे वैसे ही लगता है कि बहुत अंडररेटेड एक्टर है। मतलब उसने काफ़ी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन सिर्फ उसके फादर इतने बड़े थे कि उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब पॉपुलरिटी या मतलब बहुत ज़्यादा हिट नहीं मिली। तो लेकिन नहीं, से एक्टिंग आजकल वो बड़ी अच्छी कर रहा है, तो इस फिल्म में भी लास्ट के सीन में उसने जो है मूवी में अपना अच्छा काम किया है। और कुल मिला के अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो, बहुत ज़्यादा पैसे हो, तो फिर भी जाके देख सकते हो, लेकिन नहीं तो आजकल तो हर मूवी ऐसी है कि OTT पे एक महीने बाद आ ही जाती है। तो मैं जो है रेटिंग दूंगा 5 में 2.5, उसको रेटिंग दूंगा। और आप लोग चाहें तो वेट भी कर सकते हैं OTT पे देखने के लिए। मूवी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम जंप करके और जाके मूवी देख लिया जाए। तो यही है मेरा रिव्यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए तो, और भी मूवीज़ के रिव्यू हैं उनको भी पसंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।